बेटा आप लोग छोटे से थे, आयशा की छठी सालगिरह थी तब, उस वक्त हमने भी आपकी तस्वीरें बनाई थी। जब के बाबा मलेशिया गए हुए थे और ये मरी की हैं आप दोनों के बाबा के साथ, ये अब्बू की और आपके बाबा की है, ये हमारी एनिवर्सरी की है। हम लोग शादी पे ही मिले थे फर्स्ट डे अपनी शादी वाले दिन, उससे पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। मतलब उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि इतना मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। और खाले चौधरी साहब जो हुए थे वो चेस के डिपार्टमेंट में हेड थे। 29 जून को उनकी डेथ हुई थी और कोरोना के साथ उनकी डेथ हुई। उन्होंने मना किया था कि इन दोनों में आप प्रैक्टिस छोड़ दें, पेशेंट को चेक करना छोड़ दें, लेकिन उनका ख्याल ये था कि अगर एक मरीज़ जो है उसको उसको ज़रूरत हो डॉक्टर की तो उसके ना जाया जाए, तो ये एक अपने पेशेंट के साथ लॉयल्टी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। उनके फादर हैं चौधरी सरदार अली, तो उन्होंने कहा था कि बेटा मैंने तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया है कि तुम इलाके में लोगों की खिदमत करो, ये नहीं कि तुम लाहौर चले जाओगे तो लाहौर के ही होके रह जाओ, इस इलाके में भी पता होना चाहिए कि मेरा बेटा आता है काम करता है। मेरे भाई जो थे वो इतवार के दिन आते थे यहाँ, को इतवार को छुट्टी होती थी ना, तो वो सुबह 3 बजे का उनका अलार्म होता था, वो बस अड्डे पर जाते थे, वहाँ से वो चीचा नहीं आते थे और यहाँ रिक्शे में बैठकर घर आते थे। जो भी मरीज़ आता था तो उसका इलाज करते थे, तकरीबन 80 से 100 तक वो मरीज़ चेक करते थे। 40 साल तक इस एरिया की खिदमत की, क्योंकि उन्हें अपने पेशे से ना जी वालहाना इश्क था। मेरे पापा बेसिकली नेचुरल लवर थे, उनको पौधे लगाने और इन चीज़ों का काफ़ी शौक था। इसमें आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और आपको एक हिम्मत और इन चीज़ों का बीच में आपको एक एलिमेंट मिलता है। अपने पापा जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा कि जिस तरह उन्होंने सेल्फलेस होकर सारा काम किया। जब आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो फिर आपको थकावट नहीं होती, फिर वो आपकी इबादत ही बन जाती है। तो वो अपने प्रोफेशन को इबादत समझ के किया करते थे ना। जिस तरह उन्होंने वो एक ने एक काम जारी किया तो सदके जारिया अपने वालिद के कहने पे, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके लिए एक तरह का सदका जारिया बनूँ और उनका वो सदका जारिया काम जारी रख सकूँ।